गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल सर्विसेज पर। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडल्स क्या होती हैं, बायर्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं, बुल्स क्या होता है और बेयर क्या होता है, बेयर कैंडल क्या होती है और बुलिस कैंडल क्या होती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लर्निंग के सेक्शन में जाकर हमारे वीडियोज़ के बारे में चेक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। क्लिक शेयर करेंगे आप डायरेक्टली यूट्यूब चले जाएंगे और यूट्यूब पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यूट्यूब पर जाकर भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, आपको डायरेक्टली आप वीडियो पर जा सकते हैं। ओके, और डीमैट अकाउंट के सेक्शन पर जाके स्कैनर्स में जाके आप स्कैनर्स ले सकते हैं और डीमैट अकाउंट पर जाके आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए गाइज, आप देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। ओके गाइस, तो बताते हैं हम आपको स्टॉक मार्केट में बाय और सेलर क्या होते हैं। शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे, वो बायर और सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाजार में कुछ बायर्स होते हैं जो स्टॉक्स को खरीदते हैं और कुछ सेलर्स होते हैं जो स्टॉक को बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बायर्स हैं। बायर्स जब भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदेंगे तो बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है, और ये सेलर्स जब भी बाज़ार में कुछ बेचेंगे बाज़ार क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ओके, बायर इज़ बेसिकली बाइंग द स्टॉक्स एंड सेलर इज़ बेसिकली सेलिंग द स्टॉक्स। बायर और सेलर्स को मार्केट में दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, और वो है बुल्स एंड बियर्स। ओके, होते हैं मार्केट में जो बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, उनको बोला जाता है, और जो बिकवाली करते हैं, जो स्टॉक्स को खरीदने के बाद बेचते हैं, वो होते हैं बियर्स। बुल्स और बियर्स पर ही पूरा मार्केट डिपेंड है। आप सिंपल कह सकते हैं शेयर मार्केट इज टोटली डिपेंड ऑन बुल्स एंड बियर्स। बुल्स काम करते हैं बाजार को ऊपर ले जाने का, बियर्स काम करते हैं बाजार को नीचे लाने का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों जाता है। मार्केट ऊपर इसलिए जाता है कि कोई कुछ खरीद रहा है, कोई स्टॉक खरीद रहा है, और मार्केट नीचे क्यों आता है, कोई स्टॉक को बेच रहा है। ओके, इट इज़ क्लियर। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कैंडल्स को। कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंडल। कैंडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडल के बिना आप कभी भी मार्केट को नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे काम करता है। ओके गाइस, तो गाइस जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक कैंडल है और ये भी एक कैंडल है। ये बेयरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि बुल यानी कि कौन, बायर जो खरीदार हैं ये उनकी कैंडल है, और बेयरिश क्या है, जो स्टॉक को बेच रहे हैं उनकी कैंडल है। ओके, कैंडल होती क्या है बेसिकली, कैंडल के पार्ट्स को हम पहले समझते हैं। कैंडल के पार्ट्स होते क्या है, जैसे कि आप ये ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे होंगे नीचे से थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये इसका लो है, कैंडल का लो। ओके, और ये जो आपको आप शैडो भी कहते हैं, ये जो पतली सी लकीर आपको दिख रही है इसे विक भी बोलते हैं, लोअर विक। ओके, इसे विक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ओके, ये क्या है, कैंडल की बॉडी है। ओके, और ये क्या है, विक है, यानी कि अपर शैडो। ठीक है, अब आप गाइस एक चीज देखेंगे, मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ। बॉडी कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पर। ओके, और बॉडी क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पर। कह सकते हैं ये क्या है, एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल है जिसका ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है, और लो इसका यहाँ पर है और हाई यहाँ पर है। एक मिनट, आपको और सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपने मार्केट ओपन हुआ, आपने देखा कि एक ग्रीन कैंडल बनी। अब इस ग्रीन कैंडल को आपने समझना कैसे है, आपने समझना है कि मार्केट
में जो ये कैंडल बनी है इसका लो है ये, सपोज ये 17,500 है, आपका क्या है 17,500 मार्केट का लो है, और मार्केट का बॉडी जो है इस कैंडल का वो ओपनिंग कहाँ पर हुआ है 17,600, और मार्केट का ये जो कैंडल है कैंडल क्लोज कहाँ हुआ है 17,800। इस कैंडल ने हाई कितना बनाया, इस कैंडल ने हाई बनाया 1800 का। अब आपके सामने कैंडल ग्रीन आ गई, यानी कि बायर्स आए, बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए, ओपनिंग हुई कैंडल की 17,500 पे, सॉरी लो बना 17,500 पे, ओपन हुआ कैंडल 17,600 पे, कैंडल क्लोज हुआ 17,800 पे, और 18,000 पे इसने हाई बनाया। ओके, तो ये जो कैंडल है बेसिकली इसी से आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक बार क्विक वी हम दोबारा इस कैंडल पे डालते हैं, बस क्विक हम दोबारा इस डालते हैं, ये हो गया कैंडल का लो, देखते हैं विक यहाँ पे स्टॉक हो रहा है, यानी कि तो कैंडल है उसका ओपनिंग है, यहाँ पर कैंडल का क्लोज है, ये हाई है, इसको बोलते हैं विक और इसको बोलते हैं बॉडी। ओके गाइस, क्लियर गाइस, अब आते हैं बुलिश और बेस कैंडल। आप देख रहे हैं ये जो कैंडल है ये क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या है, ये बायर्स की कैंडल है यानी कि बुलिश कैंडल है, और इधर वाली को आप अगर देखेंगे गाइस तो ये क्या है, बेयरिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल सारी चीजें सेम होती है, एक चीज चेंज होती है, बुलिश और बेयरिश में ज्यादा अंतर नहीं होता। आप एक कैंडल को समझें, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर होता है और रेड कैंडल का ओपनिंग यहाँ ऊपर की तरफ होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है। बेयरिश कैंडल नीचे की तरफ होता है, ऊपर से ओपनिंग और नीचे की तरफ क्लोजिंग, और बुलिश कैंडल नीचे की तरफ ओपनिंग और ऊपर की तरफ क्लोजिंग होता है। ओके गाइस, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब आप यहाँ से समझे ज़रा, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप जो तो एक कैंडल देख रहे हैं इसमें एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल और रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल। अभी आपको मैं समझाता हूँ, ये एक बेयरिश कैंडल है, ये इसकी ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ओके, और ये क्या है इसकी विक, इसको शैडो भी बोलते हैं, और ये इसकी अपर शैडो यानी कि अपर विक, और ये इसकी बॉडी। सेम ऐसी ग्रीन कैंडल की भी होगी और ये सेम राइट कैंडल की होगी। दोनों में अंतर यही है कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे की तरफ होता है और रेड कैंडल का ओपनिंग क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। गाइस, आई होप आप सब लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप यहाँ कमेंट कीजिए। ये बेयरिश कैंडल है, रेड कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल है। ओके गाइस, ये आप ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान दीजिएगा और एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि ओपनिंग कहाँ पर होता है, क्लोजिंग कहाँ पर होता है, और कैसे कैसे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग को देखते हैं। अब मैं सीधे आपको चार्ट पे ले आया हूँ, मैं चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि यहाँ पर बायर्स ने बाइंग की है। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप कैंडल, सेम वही कैंडल है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। यहाँ पर आप इसकी बॉडी देखिए, इसकी शैडो देखिए, ओपनिंग देखिए, क्लोजिंग देखिए, और इधर देखिए ये रेड कैंडल बन रही है यानी कि यहाँ पर बेयरिश कैंडल बन रही है यानी कि सेलर्स ने स्टॉक को बेचा है। बुल्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं और बेयर्स मार्केट को नीचे लेकर आ रहे हैं। ऐसे गाइस आप चार्ट में देखेंगे, आप फिजिकली अपने चार्ट को देखने की कोशिश की, आप यहाँ पर देखिए कि बेयरिश पूरा पैटर्न बेयरिश भरा हुआ है, पूरे रेड कैंडल्स बनी है, इसका मतलब बायर्स ने स्टॉक जिन्होंने खरीदा था उन्होंने बेचा है या फिर जिन्होंने डायरेक्ट सीलिंग की है स्टॉक को।
मार्केट में स्टॉक को डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं और नीचे जब आएगा फिर बाय कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज ले पाएँ, शेयर मार्केट के बारे में सीख पाएँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छी है या गलत है, जो भी है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे कि मैं किस वे पर जा रहा हूँ और किस लेवल से आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को देखने के लिए।